सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। देहरादून, उससे पहले गांव, उससे पहले वैष्णो देवी। उसके बाद मैंने एक हफ्ते का गैप लिया, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा, ब्लॉग भी नहीं बनाया। एक डेढ़ हफ्ता हो ही गया। दिवाली आ रही है, लाइट लेके आने हैं। खाली खाली हो रहा है घर। चाचा की दुकान है, वहीं से लूँगा लाइट वगैरह, तो वहीं जा रहा हूँ आज। ऑटो वाले को भी अभी आना था। तो सक्षम, आपका मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, हमारा स्वागत करने के लिए। भाई कह रहा इतनी सारी लड़ी लाऊंगा, सामने वाले घर का फीका पड़ जाएगा, आगे पीछे सबका घर फीका पड़ जाएगा। इस क्या कहते हैं उसे, चिड़िया करते, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूँ मैं। लाइट तो ले ली, अक्सर ने तो इतनी लाइट ले ली कि बस आंखों में आंखें चुंदिया जाएंगी, हमारा पूरी कॉलोनी में आंखें ऐसी चुंदिया जाएंगी ना, इसके घर के सामने निकलोगे किसी को भी आना ना जाना, रोशनी रोशनी मिली। मैंने तो एक ही लाइट ली सितारे वाली, बाकी कोई समझ में नहीं आई। भाई इतनी भीड़, भाई मत आना भाई, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा। भूख लग रही है, पहले तो कुछ खाऊंगा मैं, पर यह महंगा नहीं है, सस्ता है, सस्ता है, ठीक है, आना पड़ता है, लेकिन घूमना पड़ेगा। यहाँ दोबारा आना पड़ेगा मुझे, थोड़ा घर को सजाना है अंदर से। मैं छोले भटूरे खिला के मन खराब कर दिया। यहाँ पे आना, छोले भटूरे मत खाना। तो बड़ी मिन्नत से मैंने सोचा था छोले भटूरे खाऊंगा यहाँ चांदनी चौक के। समझ जाओ कितने अच्छे थे, कितने अच्छे थे छोले भटूरे। सक्षम कितने अच्छे थे, जी ऊपर आ रहा भाई। It was at this moment that he knew he fucked up. पहली बार मेरे साथ जिंदगी में ऐसा हुआ, गार्ड अंकल खेल गए मेरे साथ, कह रहे फोन जमा करो, तुम वीडियो बना रहे हो। रोना आ गया था आंखों में, कह रहे 2000 रुपए का चलान कटेगा, फोन जमा करो, 2000 रुपए दो, फोन ले जाओ, 20 दिन बाद नहीं ले जाओ। कह रहे 20 दिन बाद, बाद में पता चला अंकल मजे ले रहे थे। पर भीड़ इधर आ गया, खाली है, बड़ी मुश्किल से मिलती है खाली जगह। सबसे बढ़िया आते हुए था कृष्णा नगर तक सबसे बढ़िया माहौल था, उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हुई। पठान साहब क्या हाल है? अच्छा,